गया है, यानी कल से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो जाएगी, जो 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। तो हमारे साथ लगातार छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड सर्वे सिंह जुड़े हुए हैं और आगरा से अजिंद चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वे जी, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, अगर बात हम छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में जो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ सावधानी बरती जा रही है छत्तीसगढ़ में? जी देखिए रिया, बताना चाहूंगा कि जिस वक्त से बाहरी प्रवासी मजदूरों को छत्तीसगढ़ में प्रवेश दिया गया या यहाँ से होकर जाने वाले जितने भी मजदूर थे उनको देखते हुए संभावना पहले ही व्यक्त कर दी गई थी कि कुछ ना कुछ आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन एक ही जिले से बड़ी संख्या में बढ़ने को लेकर सरकार को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के मामले सामने आएंगे। उसे देखते हुए अब ये आज की रात जैसे आखिरी रात है इसकी लॉकडाउन 3 की, इसके बाद अब देखना होगा कि आज अभी जो कैबिनेट मीटिंग तत्काल प्रभाव से जो बुलाई गई है उस कैबिनेट में फैसला क्या आता है, क्या आवाजाही रहेगी चालू या फिर बंद कर दी जाएगी, या बॉर्डरों को फिर से सील किया जाएगा, या जितने प्रवासी मजदूर यहाँ पर हैं या यहाँ आ रहे हैं उनको वहीं बॉर्डर पर रोक दिया जाएगा। इस प्रकार के कुछ फैसले, कड़े फैसले जो संभवतः कैबिनेट द्वारा लिए जा सकते हैं। जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व अध्यक्ष IIA सुनील जी, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन 4.0 का ऐलान कर दिया गया है और 31 मई तक लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है, आपकी नजर में लॉकडाउन 4.0 कितना सही साबित हो सकता है मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए या फिर व्यापारियों के लिए? देखिए ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस दौरान संक्रमण के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं इस पूरे राष्ट्र में, लेकिन एक संतोष की बात यह है कि बहुत से ऐसे बहुत से जिले हैं जिन्होंने कंट्रोल भी अच्छा किया है। जहां तक मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इतने बड़े राज्य जहां पे 22 करोड़ से ऊपर की आबादी है तो मात्र एक्टिव केसेस यहाँ पे 2000 और 2200 के बीच में है, जो बड़ी संतोष पर स्थिति है। लेकिन साथ साथ अगर आर्थिक पहिया भी नहीं अगर चलेगा तो ये प्रवासी मजदूरों का जो विषय आपके सामने आया है ये बहुत बड़ी समस्या का रूप लेता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर कुछ ना कुछ आर्थिक गतिविधियां चलती रहेंगी, उन्हें विश्वास होगा कि उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार और उनको अपने जीवन यापन के लिए कार्य मिलने लगेगा तो ये पलायन रुक भी सकता है। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जो इंडस्ट्रीज में क्या कुछ फायदे मिल रहे हैं इस लॉकडाउन 4.0 के, क्या वो फिर से खुल सकती है? बात सच है कि लॉकडाउन की वजह से आज हम संक्रमण की वो स्थिति में नहीं आए हैं क्योंकि हमारी देश की आबादी विश्व की दूसरी बड़ी आबादी है। अगर लॉकडाउन का ये एक्सटेंशन ना हुआ होता तो शायद हम बहुत बुरी स्थिति में होते। अभी आप देखें तो कुछ दो राज्य या तीन राज्य ऐसे हैं जिन्होंने आंकड़े को बढ़ा रखा है, लेकिन बाकी राज्यों ने काफी कुछ अपनी स्थिति को ठीक भी किया है। और मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन 4 के साथ साथ जो आर्थिक गतिविधियों को चलाने की बात कही गई है अगर वो चलते रहेंगे और कंटेनमेंट जोन के साथ साथ वही स्थिति बनी रहेगी तो ये आंकड़ा धीरे धीरे गिरना चालू होगा और आने वाले समय पर देश के सामने जो एक समस्या है वर्कमन को काम देने की, रोजगार देने की, आर्थिक गतिविधियों को चलाने की, उनमें बड़ी सहायक साबित होगी ये लॉकडाउन 4 की जो भी गाइडलाइन चाहिए। आर्थिक गतिविधियां चलना बेहद जरूरी है क्योंकि अगर आर्थिक सुधार नहीं होगा भारत का तो जो भारत है वो काफी पीछे चला जाएगा। अगर हम बात उन लोगों की करें जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है, जो श्रमिक हैं जो अपने गांव वापस जा रहे हैं उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए सरकार ने बहुत से निर्णय लिए हैं, उनको यहाँ से मोबिलाइज करने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की है, लेकिन इस समय बड़ा अफरा तफरी का माहौल हो गया है, एक भय व्याप्त हो गया है वर्कर्स के बीच में जिसकी वजह से हाईवे में इतनी बड़ी तादाद की वर्कर्स की जो भीड़ दिखाई दे रही है ये बहुत ही निराशापूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। मैं समझता हूँ कि वर्कर्स को जब ये पता चलेगा कि हमारी जॉब, हमारा जीवन यापन का साधन अगर सुनिश्चित हो रहा है तो वो बहुत तेजी से वापसी भी करेंगे चीज को नॉर्मलसी करने के लिए। और वैश्य जी हमसे बातचीत करने के लिए और के न्यूज से जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं इसको लेकर 4.0 लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत कर दी गई है। हमारे साथ आगरा से अजिंद चौहान जुड़े हुए हैं लाइव। अजिंद, अगर बात हम आगरा की करें तो लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं 800 के पार आंकड़ा हो चुका है और बता दें जिस तरीके से लापरवाही सामने आई है, सीएमओ को हटा दिया गया था, फिर से नए सीएमओ की नियुक्ति वहां पर कर दी गई थी, और क्या कुछ सावधानी बरती जा रही है, जो प्रवासी जो मजदूर आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं की जा रही हैं?
देखिए लगातार हम के न्यूज के माध्यम से खबर शुरू से दिखाते चले आ रहे हैं कि जिस तरह से आगरा में पहले लापरवाही देखी जा रही थी उसके चलते सीएम योगी सख्त हुए और उन्होंने अपनी टीम 11 के 5 लोगों को यहां आगरा भेजा और आगरा आने के बाद यहां साफ तौर से स्वास्थ्य विभाग में और प्रशासन में तबादले यहाँ नजर आए। जिस तरह से आगरा के सीएमओ को मुकेश बस को यहाँ से हटाकर जो दूसरे सीएमओ की नियुक्ति की गई वहीं हेल्थ के जो विभाग के अधिकारी थे उनको भी हटाया गया। तो साफ तौर से यहाँ माना जा सकता है कि जिस तरह से सीएमओ को हटाया गया एक लापरवाही थी, लेकिन जिस तरह से टीम 11 के 5 लोग आगरा में आए उसके बाद यहाँ पर आंकड़ों में भी कमी लगातार देखने के लिए मिल रही है और यहाँ साफ निर्देशित किया गया है कि अन्य जो मरीज है कोविड-19 के अलावा जो मरीज है नॉन कोविड मरीज है उनको इलाज में अब देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगरा में कई मौत हो चुकी थी जिसमें इलाज के अभाव में लगातार ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे। वहीं अगर हम बात करें क्वारंटीन सेंटर की तो क्वारंटीन सेंटर में जो लापरवाही देखी जा रही थी गंदगी की वीडियो या वहां सुविधाएं ना होने के वीडियो जिस तरह से वायरल हो रहे थे उसको लेकर भी यहाँ टीम 11 के 5 जो सदस्य थे मुख्य सचिव या नोडल अधिकारी बनाए गए थे वो सख्त थे। साफ निर्देशित किया गया कि अब यहाँ पर कोई लापरवाही नहीं चलेगी, हालांकि उनमें भी अब सुधार किया गया है। वहीं दूसरी ओर जो आगरा में 44 हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग की बात की गई है और वहां पर जो संबंधित जो अधिकारी की नियुक्ति की गई है वो वहां पर जो होम डिलीवरी की व्यवस्थाओं में जो कमी आ रही थी जिस तरह की शिकायतें मिल रही थी अब वहां पर जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो वहां पर पूरी एक डॉक्टर और एक जो हेल्थ जो वर्कर साथ में होगा उसकी साथ वहां ड्यूटी रहेगी। साथ ही साथ वहां जो नोडल अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं वहां पर जो होम डिलीवरी की व्यवस्था है वो भी चिन्हित की जाएगी और डेली ही जिले के जो अधिकारी हैं उनको वहां पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। तो आगरा में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिस तरह से सीधी नजर मुख्यमंत्री की जो आगरा पे है तो क्योंकि आगरा में आंकड़े 800 के पार हो चुके थे अब आकर आगरा में एक राहत की बात जरूर यह देखी जा रही है कि जो मरीज डिस्चार्ज होने की संख्या है वो 500 से ऊपर हो चुकी है और अब कुल जो मरीज हैं एक्टिव कोरोना के उनकी संख्या 233 है। तो एक राहत की बात ये कह सकते हैं, लेकिन इससे भी बात नहीं कह सकते कि आगरा में पहले जमाती और पारस हॉस्पिटल तक ये जो कोरोना था वहां तक सीमित था, लेकिन उसके बाद अब जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का काम हो गया था उसके लिए उसके चलते आगरा में कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ था और चिंताजनक हालत थी। तो उसी के लिए यहां पर 44 हॉटस्पॉट इलाके बनाए गए हैं। जिस तरह से आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं जो अगर देखा जाए तो जो कोरोना के संक्रमण से सही जिस तरीके से लगातार आगरा में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, नए सीएमओ की नियुक्ति कर दी गई, पुलिस प्रशासन इतना सख्त हो गया है, आखिर क्यों इस कोरोना वायरस चर को नहीं तोड़ पा रहे, क्यों लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे, इतनी सावधानी बढ़ती जा रही है। सरकार पूरी कोशिश करती है कि लॉकडाउन को किस तरीके से हम जो लॉकडाउन जिस तरीके से बढ़ाया भी जा रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो आखिरकार जो कोरोना वायरस है वो आगरा में क्यों नहीं थम पा रहा है, क्यों लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसमें आखिरकार लापरवाही किसकी यहाँ पर सामने आ रही है। देखिए अगर हम बात करें तो शुरुआत की दौर पर यहाँ पर जिस तरह से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ उसके चलते ये माना जा रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का काम हुआ जिसमें कि सब्जी विक्रेता दूध विक्रेता और जो मेडिकल स्टोर के विक्रेता हैं उनमें ये पाया गया। तो उसके चलते कम्युनिटी ट्रांसमिशन की वजह से ये कोरोना संक्रमण का खतरा फैलता गया। लगातार यहाँ जो सीएमओ हैं उनकी शिकायत मिलती थी क्योंकि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का आपस में तालमेल नहीं हो पा रहा था जिसके चलते कई जगह खामियां थी। दूसरी ओर लगातार आगरा में जो शिकायत मिल रही थी कि जो कोरोना के जो नॉन कोविड मरीज है उनको इलाज में काफी अभाव में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और ऐसा अधिकारियों ने भी पाया जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग के बिल्कुल अजेंद्र जी मेरे सवाल आपसे रहेंगे, हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड जुड़े हुए हैं सर्वेश सिंह। सर्वेश जी जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं इससे कोई अछूता नहीं है, कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी हैं जो प्रवासी मजदूर अपने गांव वापस लौट रहे हैं उनके लिए कितना ही सही साबित हो सकता है लॉकडाउन 4.0 और उनके लिए क्या कुछ रियायतें दी जा रही हैं, उनके लिए क्या कुछ योजना बनाई जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यवस्थाएं तो काफी अच्छी की है, खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह के आदेश समय समय पे निर्देश दिशा निर्देश जारी किए हैं उनको देखते हुए किसी खास तरह की परेशानी नहीं आएगी। लेकिन मैं अगर पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ के निवासियों की बात करूं जो छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं तो इनको काफी ज्यादा उम्मीदें थी, जिनमें से 2-3 उम्मीदें लगता है कि लॉकडाउन 4 में इनकी पूरी हो जाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए स्टेडियम की परमिशन मिलने की उम्मीद है और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ जिले स्तर पे बसें बस की सर्विस चलाने की उम्मीद है
और जितने अभी तक प्रवासी मजदूर यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं छत्तीसगढ़ में, उन सबके क्वारंटीन की व्यवस्था भी उनके वही मूल स्थान पे ही करवाने की भी व्यवस्था सरकार ने कर दी हुई है। लेकिन यदि कोई जाना चाहता है, अपने मूल स्थान जाना चाहता है, तो उसके लिए भी राज्य परिवहन निगम की तरफ से, आयोग की तरफ से यहाँ पर गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई है। उनके लिए लगातार भोजन और पानी, उनके रहने ठहरने, सारी तरह की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने की हुई है। जी सर्वेश जी, मेरे सवाल आपसे भी रहेंगे। हमारे साथ उद्योगपति अतुल सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। और सर, जिस तरीके से आपकी से लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है, यानी कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी, तो अगर बात उद्योग की करें तो उद्योग के लिए कितना ये सफल साबित हो सकता है लॉकडाउन 4.0? पा रही है अतुल जी, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर्वेश सिंह मसा लगातार जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड। सर्वेश जी, जो अगर परिवहन विभाग की बात करते हैं तो उसके लिए क्या कुछ रियायतें दी गई है छत्तीसगढ़ में? लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सर्वेश सिंह के पास। हमारे साथ आगरा से लाइव जुड़े हुए हैं संवाददाता अजेंद्र चौहान। अजेंद्र, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए सरकार और क्या कुछ कोशिश कर रही है? आगरा में प्रशासन क्या कुछ सावधानियां बरत रहा है? हाँ देखिए, बिल्कुल साफ तौर से आगरा में जो चौकसी देखी जा रही है और जो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है, हॉटस्पॉट इलाकों में साफ तौर से बैरिकेडिंग कर दी गई है। त्रिस्तरीय यहाँ बैरिकेडिंग की गई है जिससे कि कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर ना हो, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेके शासन और जो मुख्यमंत्री हैं वो साफ तौर से सख्त हैं, और अब जिले के जिलाधिकारी पूरी तरह से सख्त दे रहे हैं। जिस तरह से लॉकडाउन 3.0 में यहाँ पर कोई राहत नहीं दी गई, उसके चलते अब जो माना जा रहा है कि अब प्रशासन ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है और जो चालान भी किए जा रहे हैं और बिना वजह घूमने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का जो अभी भी आना हो रहा है, 50 दिन से ऊपर का समय हो चुका है, भीड़ आगरा में देखी जाती है। जिस तरह से औरैया में 24 लोगों की हादसे में मौत हुई है, उसके बाद यहाँ पर भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पर हादसा होगा उसके जिला अधिकारी और SSP जिम्मेदार होंगे, तो यहाँ पर आला जो पूरा प्रशासन सख्त होते दिखाई दे रहा है। पुलिस जगह जगह पर तैनात है, सीमाएं सील कर दी गई हैं, और जो मजदूर आगरा तक जो किसी ट्रक या किसी अन्य वाहन से आ रहे हैं उनको रोकने के बाद यहां से ISBT भेजा जाता है और बस के माध्यम से उनकी व्यवस्था की जा रही है। तो जिस तरह से आगरा में आंकड़े बढ़े, लेकिन अब आकर प्रशासन उतना ही सख्त दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग की अगर बातें करें तो स्वास्थ्य विभाग में एक दूसरी जगह जो कोरोना टेस्ट की व्यवस्था थी, पहले वो SN मेडिकल कॉलेज में थी, अब उसको हटाने के बाद यहाँ जो रोजगार कार्यालय है उसमें बना दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां दिक्कत आ रही थी। SN मेडिकल कॉलेज में जो खामियां थी उनमें सुधार किया गया है। PPE किट के अंदर जो शिकायत मिल रही थी उसकी भी यहाँ गुणवत्ता को सुधारा गया है। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि सबसे बड़ी जो परेशानी आगरा में देखने के लिए मिल रही थी वो नॉन कोविड मरीजों के इलाज में लापरवाही हो रही थी, लगातार ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे। लेकिन अब आकर जिस दिन से टीम 11 के 5 सदस्य आगरा है और नोडल अधिकारियों द्वारा IMA के जो यहाँ जो लोग हैं IMA से बात की गई और उनसे अजेंद्र जी नए अधिकारियों की तैनाती कर दी गई आगरा में, लेकिन जो आंकड़े हैं कोरोना वायरस संक्रमितों की उसमें थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आखिर लापरवाही हो कहां रही है, क्यों इस कोरोना वायरस को नहीं रोक पा रहा है आगरा प्रशासन? देखिए, अगर हम बात करें तो पहले यहाँ जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री थी, जो जमाती थे या पारस हॉस्पिटल, जो एपी सेंटर पारस हॉस्पिटल बना हुआ था वहां तक के मरीजों की बात हो रही थी, वहां तक मरीज मिल रहे थे। लेकिन जिस तरह से ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन का काम हुआ है उसके बाद ये कोरोना का संक्रमण पूरे आगरा में फैल गया और उसका नतीजा यह हुआ कि आगरा में 44 हॉटस्पॉट इलाके बनाए गए। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का काम होने के बाद धीरे धीरे ही प्रॉब्लम आती है, और जिस तरह से सैंपलिंग होती जा रही है वैसे आंकड़े आते जा रहे हैं।
लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3 से 4 दिन में आंकड़ों में गिरावट आई है। जैसे पहले आंकड़े ये 40, 50, 20 या 30 के आंकड़ों में आ रहे थे, लेकिन अब कुछ दिन से अगर देखा जा रहा है तो 3 से 4 दिन में ये आंकड़ों में गिरावट है। हालांकि ये आंकड़ा 800 के पार हो चुका है, लेकिन ऋचा राहत की बात एक ये है कि जो मरीज डिस्चार्ज होकर जो सही होकर जो डिस्चार्ज हो चुके हैं कोरोना के मरीज, उनकी संख्या 500 से ऊपर है। अब अगर कुल में एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो कोरोना के एक्टिव मरीज अब आगरा में कुल मिलाकर 233 हैं। दूसरी अगर हम बात करें अगर क्वारंटीन सेंटर की, तो क्वारंटीन सेंटर में भी लगातार प्रशासन जो जिले के अधिकारी हैं वो सुधार कर रहे हैं। वहां पर जगह जगह नियुक्ति की गई है, अब मॉनिटरिंग की जा रही है। 150 कैमरे यहाँ पर तकरीबन लगाए गए हैं, जो कि यहाँ पर पूरी निगाह रखे हुए हैं कि कहीं पर कोई लापरवाही तो नहीं है। एसएन मेडिकल कॉलेज से लेकर स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि अब कहीं लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जैसे कि पहले गर्भवती महिलाओं के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ दिक्कत आ रही थी, कहीं महिला कोई वीडियो वायरल हो रहे थे। अब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उतना ही प्रशासन अब जिस तरह से मुख्यमंत्री सख्त हैं आगरा को लेकर, और उस अब प्रशासन की अंदर भी सख्ती देखी जा रही है, और जिस तरह से मजदूरों का पलायन चल रहा था औरैया में हुए हादसे के बाद, तो अब मजदूरों को सीमाओं के पास रोक दिया गया है। उनको एक जगह इकट्ठा करने के बाद धीरे धीरे करके उनको बस में बैठाकर उनको गंतव्य तक भेजा जा रहा है, जैसा कि अब आगरा में देखने के लिए मिल रहा है। ऋचा जी, अजीत नगर का हम आगरा की जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वहां पर इतने हॉटस्पॉट एरिया भी बने चुके हैं, अगर प्रवासी मजदूर जो अपने घर वापस आ रहे हैं, क्या उनके लिए कोई योजना बनाई गई है, क्या उनको कोई काम बताया जा रहा है, उनको कोई नौकरी दी जा रही है आगरा में? देखिए, अगर हम बात करें तो आगरा में जो प्रवासी मजदूर बाहर काम करने वाले मजदूर थे वो अभी तक आगरा आ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना का संकट यहाँ चल रहा है, आगरा रेड जोन में है, तो साफ तौर से यहाँ पर अभी लोग घरों में हैं। अगर बात करें यहाँ के उद्योग की, तो अब पहले से ही यहाँ पर उद्योगों को अनुमति दे दी गई है, जो कि जिस तरह से नियम है कोरोना बचाव को चलते हुए यहाँ पर 50 गरीब लोगों की 7 फैक्ट्री चालू करने का अनुमति दे दी गई है। हालांकि कुछ फैक्ट्रियां यहाँ चालू हो चुकी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो व्यापार जो कि सोशल लोगों से ही चलते थे वो हालांकि अभी बंद है। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से आगरा में जूता उद्योग विश्वभर में प्रसिद्ध है, दूसरा पेठा जो है आगरा का प्रसिद्ध है, तो कुछ काम यहाँ शुरू कर दिए गए हैं। जैसा कि लॉकडाउन 3.0 में कहा गया कि उद्योगों को आप चला सकते हैं अनुमति लेने के बाद, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ ख्याल रखना होगा, और साथ ही साथ अपने यहाँ पर सैनिटाइजर से लेकर हर एक चीज की व्यवस्था करनी पड़ी होगी। मजदूर जो है मास्क पहनेंगे, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें आर्थिक जो रेवेन्यू है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो चलती है उस गवर्नमेंट उद्योगों से चलती है, उसके चलते सरकार ने इस बात का ख्याल रखा गया, और आगरा में कुछ उद्योग चालू हो चुके हैं, और कुछ लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से लॉकडाउन 4.0 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ और काम या शुरू हो सकते हैं, तो इस बात को लेकर लोग आशा लगाए बैठे हैं। लेकिन आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि आखिर कुछ किन किन कामों को छूट मिलेगी और कितनी आम जनता को राहत मिल सकेगी। ऋचा जी, अजेंद्र, आपकी नजर में जो लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 में क्या डिफरेंस कुछ नजर आया, क्योंकि जो रियायत लॉकडाउन 3 में थी वही रियायत लॉकडाउन 4 में दी गई है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन जैसे जैसे बढ़ते गए 1, 2 या 3 उसमें रियायत दी गई, लेकिन इसमें भी 3 श्रेणी थी, रेड, ग्रीन और ऑरेंज। तो जिस तरह से आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में संक्रमण का खतरा ज्यादा था, जिस तरह से लोग आंकड़े यहाँ मिल रहे थे लगातार तेजी से, उत्तर प्रदेश की एपिसेंटर बना हुआ था आगरा, 800 का ये आगरा पार कर चुका है। आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मिलने वाला जिला ये आगरा ही है, तो आगरा लगातार रेड जोन में था। लॉकडाउन 3.0 में जिलाधिकारी ने साफ निर्देशित किया था कि यहाँ पर कोई भी यहाँ छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ इतने हॉटस्पॉट है और कोरोना के संक्रमण के मरीजों को देखते हुए जिलाधिकारी का ये आदेश कहीं ना कहीं सही साबित हुआ, और उसका नतीजा ये हुआ कि अब आकर कोरोना के मरीज कुल मिलाकर 233 रह गए। हालांकि आंकड़ा 800 के पार जरूर है। अगर बात करें 4.0 की, तो 4.0 में यही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आगरा में सख्ती देखी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन का काम आगरा में हो चुका है, तो आगरा के लोगों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है अगर यहाँ कुछ छूट दी जाएगी। तो ये जिलाधिकारी के विवेक पर तय करता है कि जो जिलाधिकारी तय करेंगे, तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि जिलाधिकारी का जो भी तय किया हुआ आदेश होगा कहीं ना कहीं आगरा की जनता के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो यानी अजेंद्र कह सकते हैं जो मोहब्बत की नगरी है, जो ताज नगरी है आगरा, उस वो अभी सुनसान ऐसी ही पड़ी रहेगी। वहां पर जो आगरा जो जनता है वो अभी तक ऐसे ही रहेंगे, उनके लिए कोई रियायत नहीं दी जा रही है।
देखिए आगरा में जिस तरह से अगर रियायत की बात की जाए तो सुबह और शाम में जिस तरह से टाइम दिया गया है, जो लोग जो कंटेनमेंट और जो हॉटस्पॉट इलाके के बाहर जो इलाके हैं वहां पर छूट दी गई है, लोग सब्जी और दूध लेने के लिए मार्केट में जाते हैं, लेकिन अगर हॉटस्पॉट इलाके और कंटेनमेंट जोन की बात करें तो वहां पर कोई भी छूट नहीं है, क्योंकि लगातार हॉटस्पॉट इलाकों से ही मरीजों का मिलना हो रहा है। जो अभी संक्रमित मरीज सबसे अधिक मिल रहे हैं वो हॉटस्पॉट इलाकों से ही मिल रहे हैं। अगर बात करें ताजनगरी आगरा की, तो ताजनगरी आगरा में ताजमहल है, जिस तरह से पूरी दुनिया से लोग यहाँ देखने आया करते थे ताजमहल को, लेकिन आज इस मोहब्बत की निशानी ताजमहल को देखने के लिए भी आज इस कोरोना के काल में सुनसान ये पड़े आगरा के स्मारक हैं, जो कि विश्व धरोहर कहा जाता था ताजमहल को, लेकिन कोरोना के चलते आज वो भी सुनसान है। और कहीं ना कहीं ये आस लगाए हुए हैं कि कोरोना खत्म हो तो पहले की तरह से आगरा में चहल पहल शुरू हो, लेकिन जिस तरह से कोरोना है, हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना के चलते लॉकडाउन है और लॉकडाउन का लोगों को पालन करना अच्छा जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन अगर कोरोना को बचना है तो लॉकडाउन का पालन करना होगा, और लॉकडाउन में अगर जहां उल्लंघन करते हैं, जहां सावधानी हटती है, तो कहीं ना कहीं लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। तो लॉकडाउन का पालन कराना भी ये प्रशासन की एक अच्छी पहल है, और जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आगरा पर नजर रखे हुए हैं उसके चलते प्रशासन की शक्ति भी यहाँ देखी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अजेंद्र चौहान हमसे जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड भी हमारे साथ जुड़े हुए थे सर्वेश सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं इसको लेकर काफी सावधानी बरती जा रही है कोरोना से निपटने के लिए। एनडीएमए ने 31 मई तक लॉकडाउन के विस्तार का फैसला कर दिया है, यानी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, 14 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आज लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है और कल से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो जाएगी। इस बाबत सभी मंत्रालय विभाग राज्य सरकारों को चिट्ठी भी भेजी गई है और साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। बता दें एनडीएमए पहले लॉकडाउन को औपचारिक रूप से जारी करने का आदेश जारी करता है, फिर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को फ्रेम करती है। पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। लॉकडाउन 4.0 में घरेलू विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है, तो वही हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी की गई है, यानी जो हॉटस्पॉट एरिया है, जो रेड जोन है, वो वैसे ही रहेंगे, उन पे काफी सख्ती बरती जाएगी। मेट्रो सिनेमा हॉल पर पाबंदी रहेगी, इसके अलावा स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे, यानी सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, वो सभी बंद रहेंगे। और बता दें आपको कुछ ही दिनों में ईद भी आने वाली है, रमजान का खत्म होने वाली है, और जो ईद आने वाली है वो भी लॉकडाउन के बीच में अपने घर पर ही मनाई जाएगी। और सभी लोगों से अपील भी की गई है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन लोगों से कहा गया है कि आप ईद घर पर ही मनाएं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं, कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं, सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रमाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। टीवी 9